केस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ इश्यूज होंगे कि भाई हमारे पास लाइट नहीं होती या फिर हमें इनकन्वीनियंट हो रहा है इस तरीके से, और भी अगर बहुत सारे इश्यूज होंगे स्टूडेंट्स के, तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मैं अवेलेबल कर देती हूँ, आपका लेक्चर रिकॉर्डेड होता है, तो उम्मीद है कि अगर कोई इस तरीके से लोड शेडिंग या नेट इश्यू होता है तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग लेक्चर बाद में सुन सकते हो। तो ये तो फिर समझे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, आप में से हर बच्चा जो है अपनी मर्जी से जब चाहे वो लेक्चर सुन सकता है, तो कोई पाबंदी आप पे आई नहीं है, आप जब मर्जी आप सुन लो और उसके बाद अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करवा दो, ठीक है। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपको जो है वो आपने लाजमी ऑनलाइन क्लास ही लेनी है, आप बाद में भी सुन लो कोई लेक्चर, कोई इशू नहीं है। चले अब ये मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है, अब स्टार्ट करते हैं वापस अपना सेशन। मैम, ये बोलो जो अरीशा बाजी है, इनको बोल दें कि क्लासरूम वगैरह बना दें कोई, जिसपे सारे लेक्चर्स अपलोड करती चले अगर यही रिकॉर्ड कर रही हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ मिल जाती हैं कुछ नहीं मिलती रिकॉर्डिंग्स, इसका मसला बहुत होता है रिकॉर्डिंग्स का। मिस। YouTube का एक चैनल बना लिया हम लोगों ने, हम उसी पे अपलोड कर दिया करेंगे, जिसको देखनी है वो वहां पे आके देख सकते हैं। सही है, तो फिर हमारे CR से शेयर कर देना मैम सेक्शन लिंक सही है। मॉर्निंग। चलो ये हो गया, बेहतरीन हो गया, फिर आप लोगों से कोई इशू नहीं होगा। हर CR, ये जो कोई भी अगर एक CR ने किसी एक ने भी चैनल बनाया है तो वो सब CR से डिस्कस कर लो, अगर कोई भी बंदा, क्योंकि देखो अब ऑनलाइन रहेगा तो ऑनलाइन में हर स्टूडेंट के साथ मेरे साथ भी इस तरीके से लाइट और नेट की इश्यूज रहेंगे, तो इस तरह ये बेस्ट हो गया कि आपने एक एक तरफ जो है वो सारे रिकॉर्ड स्ट्रक्चर रख दिए, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो एक तरफ ही देख ले, क्योंकि ये चारों स्टूडेंट्स में, ये चारों सेक्शन मेरे पास ही है, तो सबको मैं एक ही वे में लेके चल रही हूँ। सिर्फ मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग वाला सेक्शन एक लेक्चर पीछे चल रहा है, जिसके लिए मैं इंशाल्लाह अब ऑनलाइन हो गया है, तो अब इंशाल्लाह मैं उनके लिए जल्दी ही कोशिश करूंगी कि एक सेक्शन अरेंज करके उनको भी वापस ले आऊं, ठीक है। अच्छा भाई अब वापस आते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक में, तो हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए जो है वो आपके पास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो मैंने आपको कहा कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने क्या देखा था कि बाइनोमियल और पॉइजन के अंदर आपने चेक कर ली थी, अब हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह क्या डिस्टिंग्विश कर रही हैं। तो सबसे पहले सिर्फ 2 एंड 3 प्रॉपर्टीज आपस में डिस्टिंग्विश हो रही है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल। तो मैंने आपको बता दिया जिस तरह आपको डाइस की एग्जांपल मैंने आपको गिवन की कि भाई हर बार जब भी आप डाई को रोल करते हैं तो वो बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, चेंज आती है। जैसे फर्स्ट टाइम अगर आपने डाई को रोल किया तो उसके ऊपर 3 लिखा हुआ आया, सेकेंड टाइम आपने रोल किया तो उस पर 6 लिखा हुआ आया, थर्ड टाइम आपने रोल किया तो उस पर जो है वो 1 लिखा हुआ आया। तो इसका मतलब है हर ट्रायल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो डाई की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को फिर हम क्या कहते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो हम क्या कहते हैं कि फिर हम हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट से हम उसको सॉल्व करते हैं, जिसकी नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो क्या हो रही है, हर डिस्ट्रीब्यूशन पे चेंज हो रही है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, सक्सेसिव ट्रायल जो है वो डिपेंडेंट है, हर सक्सेसिव ट्रायल जो है वो आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप 2 डाइस हैं, 2 डाइस को एक साथ रोल कर रहे हैं, अब क्या है आपके पास कि एक, अब आप क्या करोगे, एक डाई लोगे और उसके बाद आप दूसरा वाला डाई लोगे, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपने क्या कर रहे हो, एक साथ लेके चल रहे हो। अब ये डिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट जरा एक एग्जाम्पल देख लो तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा इसका सबसे पहले आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का PDF मतलब PMF क्या होगा इसका, तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला गिविन है। फॉर्मूला क्या गिवन है, लेट एक्स बी अ रेंडम वेरिएबल, एक्स आपके पास क्या है, रेंडम वेरिएबल है, फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ द सैंपल एन आइटम सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इन्होंने कह दिया कि आपने जो नंबर ऑफ सक्सेस सिलेक्ट करने हैं सैंपल में से वो विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट का कीवर्ड तुम लोगों को अच्छे से पता होगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ एन आइटम कंसिस्ट ऑफ के सक्सेसर। अब आपके पास एक फाइनाइट पॉपुलेशन होगी एन आइटम की, जिसमें कंटेन कर रहे होंगे के सक्सेसर,
गिवन एन कॉमा के फॉलो द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मास फंक्शन। अब यहाँ पे इतने सारे नोन पैरामीटर्स आपके सामने आ गए, एक के आ गया, एक स्मॉल एन आ गया और एक कैपिटल एन आ गया। पहले तक के आपने दो पैरामीटर देखे, एक स्मॉल एन देखा, तो स्मॉल एन क्या था आपका नंबर ऑफ ट्रायल था, और पी क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फिर आपने एम देखा, एम आपके पता चल गया था एवरेज था। अब इसी एक डिस्ट्रीब्यूशन में तीन पैरामीटर अननोन आ गए, तो तीन पैरामीटर में क्या है, जो स्मॉल एन है वो बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट है सैंपल का, और जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ यूनिट है पॉपुलेशन का, और जो के है बेसिकली नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन। नंबर ऑफ सक्सेस पॉपुलेशन में कितनी है वो ये डिफाइन कर रहा है। तो ये स्मॉल एन, कैपिटल एन और के जो है वो बेसिकली इस तरह तीन वैल्यूज को डिफाइन कर रहा है। अब जरा इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को लगा के चेक करते हैं कि मिस किस एक्स तरीके क्या है से, फिर यहाँ पे? किसकी एक्स का मतलब है, आपने ये एक्स क्या है यहाँ पॉपुलेशन पे? है ना, सैंपल 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 के अंदर कितने कितने सक्सेसर होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस पॉपुलेशन का के है, तो सैंपल का भी तो सक्सेसर चाहिए ना आपको, वो एक्स होगा। सही। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। अ बॉक्स ऑफ 8 स्क्रू कंटेन 5 डिफेक्टिव स्क्रू। अब एक बॉक्स है जिसके अंदर टोटल कितने स्क्रू हैं, 8, कंटेन 5 डिफेक्टिव स्क्रू। अब उसमें से उन्होंने बता दिया कि इसमें से 5 डिफेक्टिव स्क्रू हैं। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 3 स्क्रू इज सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इन्होंने बताया कि एक रैंडम सैंपल आप स्क्रू का ले रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है अगर एक बार आपने स्क्रू उठा लिया तो दोबारा आप नहीं ले सकते, उसको आपने कैंसिल कर देनी है अपनी ऑप्शंस में से। ये रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाली कहानी मैं आपको पहली बार में ही फर्स्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर ऑफ डिफेक्टेड स्क्रू इन द सैंपल इज 2। अब ये बताएं कि अब आपके पास कितनी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी डिफेक्टिव स्क्रू की इन द सैंपल इज 2। 2 होने की प्रोबेबिलिटी जो अब इन्होंने आपसे पूछी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब इसमें आपने क्या चीज करनी है, सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं, एक एक मिनट दीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स क्या है आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्टेड स्क्रू इन द सैंपल। अब एन और के ये तो सैंपल की पॉपुलेशन की बात हो गई कि टोटल पॉपुलेशन 8 थी और डिफेक्टिव उसके अंदर कितने थे, डिफेक्टिव 5 थे, ये पॉपुलेशन के डिफेक्टिव है। अब इन्होंने कहा सैंपल में हमने क्या लेना है, 3, और सैंपल में 3 हमने जो है वो क्या ले लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब सैंपल में 3 सिलेक्ट कर लिया, अब इन्होंने पूछा कि अब आप हमें प्रोबेबिलिटी बताएं सैंपल में से 2 के डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। ठीक है, अब 2 के डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें आपने क्या चीज डिफाइन करनी है, सबसे पहले कि अब आपने सैंपल साइज इसमें आपको किसकी बताना है, 3 का। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं एक बॉक्स में ताकि आसानी हो जाए समझने में, के क्या है आपके पास नंबर ऑफ सक्सेसर किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। फिर आपके पास नंबर ऑफ फेलियर, अब इसमें नंबर ऑफ सक्सेसर तो निकल आया, नंबर ऑफ फेलियर भी तो निकालना है ना, क्यू। तो नंबर ऑफ फेलियर अभी तक हम किस तरह निकाल रहे थे, 1 - p के रिलेशन से, p+q = 1 के रिलेशन से निकाल रहे थे, ऐसे निकाल लेते फेलियर। लेकिन अब जो हम फेलियर निकालेंगे वो हम इस तरह निकालते हैं कि यहाँ पे n - k ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो अब यहाँ पे अगर आपने फेलियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हाइपरजोमेट्रिक में, तो कैपिटल एन माइनस के से मालूम करनी है। कैपिटल टोटल कितने हैं, 8, और फेलियर सक्सेसर कितने हैं, 5। तो टोटल में से 5 निकाल दोगे तो ऑब्वियसली कितने बचेंगे, फेलियर, फेलियर आपके पास 3 बचे। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, वही अगर सिंपल देखा जाए तो p+q वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है
कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ये है, टोटल टोटल में से माइनस कर दो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, तो फेलियर ऑटोमेटिकली निकल आएगा. दिस प्रॉब्लम ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, बिकॉज ऑल कंडीशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज सेटिस्फाई. जो मैंने आपको कंडीशन बताई हाइपर ज्योमेट्री की, वो यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही. नाउ वी यूज द हाइपर ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो अब हम हाइपर ज्योमेट्री का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं. अब इसमें प्रोबेबिलिटी का हाइपर ज्योमेट्रिक का क्या गिवेन है, के. अच्छा, यहाँ कुछ नहीं गिवेन ना, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे सी लिखना है आपने. बहुत जगह पे आपको इस तरह डिफाइंड होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं गिवेन होता, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे सी गिवेन होता है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे सी कैलकुलेट करना है. तो के की वैल्यू सी और फिर एक्स की वैल्यू. फिर यहाँ पे आपके पास क्या गिवेन है, आपके पास सैंपल की वैल्यू सी और उसके बाद यहाँ पे वन. वन यहाँ पे क्या गिवेन है, स्मॉल एन में से माइनस करें एक्स को. तो स्मॉल एन क्या था, टू, और एक्स की वैल्यू आपके पास गिवेन है, एक्स की वैल्यू क्या है, टू. आपने माइनस करके यहाँ पे डिफाइन करी, फिर आपने इसी फॉर्मूले के अंदर जो है वो पीछे से फॉर्मूले में देखते हुए आपने यहाँ वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी. तो फाइनली आपने सैंपल के जो डिफेक्टिव या सैंपल में जो सक्सेसर थे उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट कर ली. मतलब ये कि आपके पास एक पॉपुलेशन गिविन थी, उसमें जो सक्सेसर थे, और जो आपके पास सिंपल जो है वो सैंपल्स में सक्सेसर थे उसमें आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी. मतलब एक पॉपुलेशन गिवेन है, पॉपुलेशन में कुछ सक्सेसर गिवेन है, फिर उन्होंने कहा हम इस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल ड्रॉ कर लेते. जैसे उन्होंने कहा कि 8 स्क्रू है. अब 8 में से उन्होंने क्या कहा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल इस तरह हो सकती है कि आपकी पूरी क्लास है, इस क्लास के अंदर 80 स्टूडेंट. अब 80 स्टूडेंट एक पॉपुलेशन है, ठीक है. अब इसमें से मैं पॉसिबिलिटीज किसकी निकालना चाहती हूँ, मैं इसमें से पॉसिबिलिटीज निकालना चाहती हूँ कि भाई पढ़ने वाले स्टूडेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी या पढ़ने वाले स्टूडेंट की शरह क्या है. तो मैं इसके लिए सक्सेसर प्रोबेबिलिटी क्या निकाल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल के भाई 80 स्टूडेंट में पढ़ने वाले स्टूडेंट की शरह 20 है, ठीक है. तो मैंने ये 20 निकाल ली. अब फिर मैं मजीद इसमें से कुछ सैंपल ड्रॉ करती हूँ और पूछती हूँ कि भाई ये जो पढ़ने वाले जो 20 स्टूडेंट थे, इसमें से मैं मजीद सैंपल बना रही हूँ पोजीशन होल्डर्स के. अब वो पोजीशन होल्डर कितने हो सकते हैं, सिर्फ 3, 1, 2 and 3. पढ़ने वाले तो 20 थे, लेकिन पोजीशन इन 20s की तो नहीं आ सकती, सिर्फ 3 की आएगी. तो मैंने मजीद क्या किया कि और सैंपल ड्रॉ कर लिया, और वो सैंपल में मैंने सिर्फ 3 स्टूडेंट रख दिए. अब पूछा कि भाई अब आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि इसमें से फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी किसकी है. तो बात समझ आ रही है थोड़ी सी. तो ऐसी सिचुएशंस पे हम क्या कर रहे होते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक यूज कर रहे होते हैं. अच्छा, अब ये आपके पास बिल्कुल लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब इंशाल्लाह हम बस 10-15 मिनट में वाइंड अप करूंगी आपका 8:30 पे लेक्चर. तो ये फाइनल आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपकी वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें आप वेट टाइम को डिनोट करते हो. वेट टाइम का मतलब ये है, वेट टाइम को डिनोट करता है मतलब जब तक कि आपकी डिजायरेबल वैल्यू अकर ना हो जाए. कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ छोटी सी एग्जांपल देखिए लिखी हुई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट हेड इन 7 अटेम्प्ट ड्यूरिंग द टॉसिंग अ कॉइन रिपीटेडली. मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये प्रोबेबिलिटी बताएं, फर्स्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी कब आएगी, जब उसको अटेम्प्ट किया गया है 7 मरतबा, उस कॉइन को जो है वो रिपीटेडली क्या किया है, अटेम्प्ट किया है. अब इसकी एग्जाम्पल से इसको जरा समझें. मतलब एक मेरे पास जो है वो मैंने 7 मरतबा क्या किया, मतलब मैंने एक बार कॉइन को टॉस्ट किया, मैंने कहा भाई हेड आएगा तो मैं विन कर जाऊंगी, मैं पहली बैटिंग लूंगी, और अगर टेल आएगा तो आप पहली बैटिंग लोगे, ठीक है. चलो अब मैंने नंबर ऑफ हेड पे अपने आप को बाउंड कर दिया. अब मैंने एक मरतबा कॉइन को टॉस्ट किया, हेड नहीं आया, टेल आया. दूसरी मरतबा टेस्ट किया, नहीं आया हेड. तीसरी मरतबा टेस्ट किया, नहीं आया हेड. चौथी मरतबा टेस्ट किया, नहीं आया हेड. पांचवी मरतबा किया, नहीं आया. छठी मरतबा किया, नहीं आया. सातवीं मरतबा भी मेरा पहली मरतबा हेड अकर हुआ. तो हमें तो नहीं पता ना कि हर बार हेड अकर होगा या नहीं अकर होगा. तो इससे पहले जब 7 अटेम्प्ट पे मेरे पास पहली मरतबा जो है वो हेड क्या हुआ, एज अ सक्सेसर जो है वो क्या हुआ है, मेरे पास अटेम्प्ट हुआ. तो ऐसी ज्योमेट्रिक में जब पहली मरतबा आपके पास सक्सेसर ऐड हो जाए, तो इसका मतलब है 7th टाइम पे हमारे पास सक्सेसर जो है वो अकर हुआ. इससे पहले जितने भी x-1 थे, x-1 का मतलब इससे पहले जो 6 कॉम्बिनेशन थे वो सारे क्या थे, सारे के सारे फेलियर थे. पहली मरतबा जो मेरा हेड अकर हुआ वो पहली मरतबा कौन से अटेम्प्ट पे हुआ, 7th अटेम्प्ट पे हुआ.
अब ऐसी अगर एक और एग्जाम्पल लूँ मैं, फॉर सपोज के मैं मतलब मैं आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल के कोई पेपर जो है वो रुक जाता है, मैथ्स का कोई पेपर है या चलो कोई साइकोलॉजी का पेपर है, चलो कोई प्रोग्रामिंग का पेपर है, वो आपका रुक गया, ठीक है। अब आपने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया, नहीं क्लियर हुआ, सेकेंड टाइम अटैम्प्ट किया, नहीं क्लियर हुआ, आपने थर्ड टाइम अटैम्प्ट किया, नहीं क्लियर हुआ, फिर आपने बाकायदा सप्ली देना शुरू करी, सप्ली में भी आपने अटैम्प्ट किया, नहीं हुआ, फिर आपने दो मरतबा सप्ली दी, नहीं हुआ, फिर तीसरी मरतबा आप स्पेशल केस बन गए, फिर आपने तीसरी मरतबा अटैम्प्ट किया, फिर आपका हो गया। तो इससे पीछे आपने जितने भी टाइम अटैम्प्ट किया था उन सब पे आपका रिजल्ट क्या आया था, फेल आया था। तो उन सब पे जब रिजल्ट आपका फेल आया तो इसका मतलब क्या है कि आप उन सब में नाकाम थे, इसका मतलब है वो सारी की सारी आपकी फेलियर प्रोबेबिलिटी थी। और इसके बाद पहली मरतबा सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी क्या आई, फॉर एग्जांपल आपने सिक्स अटेम्प्ट में जाके जो फाइनल अटेम्प्ट था उसमें जाके आपने उसको सक्सेसफुली पास कर लिया, तो जो सक्सेसफुली पास करने की प्रोबेबिलिटी है वो 7 है, और उससे पुरानी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या है, फेलियर प्रोबेबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही लिखी हुई है, द एक्सपेरिमेंट विच इज रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम अंटिल द फर्स्ट सक्सेस इज ऑब्टेंड। आपका जब तक के रिपीट करोगे नंबर ऑफ टाइम, जब तक के पहली मरतबा आपका सक्सेस जो है वो नहीं अकर हो जाए, तब तक के जो है वो आप क्या करोगे, अपने नंबर ऑफ मतलब अपनी जो है वो प्रोबेबिलिटी को क्या करोगे, अकर करते चले जाओगे। तो जैसे मैंने आपको क्वाइन की एग्जांपल बताई, जैसे मैंने आपको आपके जो है वो पास होने की एग्जाम्पल बताई कि भाई कोई पेपर है जो कि आपका पास ही नहीं होके दे रहा, आपने हर बार कोशिश कर ली लेकिन वो पास नहीं हो रहा, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी फिर अगर हमें फाइंड करनी हो तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है पी मल्टीप्लाई बाय क्यू क्यू की पावर एक्स माइनस वन, ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्मूला है। अब ज़रा इसे एग्जाम में लगा के देख लेते हैं, एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे मैंने आपके सामने लगाया, If a probability is 0.85, then the applicant of the driver license will pass the road test on the given trial. What is the probability of applicant will finally pass the test on the third trial? इसमें इन्होंने क्या पूछा कि एक एक बंदे ने ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट दिया, ठीक है, अब उसने फर्स्ट टाइम पे नहीं बल्कि थर्ड ट्रायल पे जाके उसने पास किया है, फाइनल उसने किस पे टेस्ट पास किया है, तीसरे वाले पास पे, तीसरे टेस्ट पे पास किया है, ठीक है। तो जब तीसरे वाले पे पास किया तो उससे पहले इसके जितने भी इसने ट्रायल दिए वो क्या थे, आपके फेलियर थे, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दे दी है कि प्रोबेबिलिटी 8.5 थी, अब इन्होंने कहा कि थर्ड अटेम्प्ट पे इनका जो है वो फाइनली सक्सेस आया है, तो इस थर्ड पे इन्होंने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड की कि भाई थर्ड पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही, तो ये आपने जो है वो फाइनली फाइंड आउट करके बता दी कि अगर एक प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.85 है देन द एप्लीकेशन फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस विल पास द road test of a given trial. What is the probability that applicant will finally pass the test on third? वो finally जब वो pass करेगा third पर, तो उसकी probability finally third पे pass होने की कितनी होगी? जैसे आपको पता है कि भाई आप पे restrictions है कि भाई driver, for example, जैसे आपको थोड़ा बहुत पता हो CSS के exam का, तो CSS का जो competitive exam होता है आपको पता है कि वो आपने under 30 age के देना होता है, 21 से लेके 30 तक की आपकी एज लिमिट होती है जिसमें आप वो CSS का कॉम्पिटेटिव एग्जाम अपीयर करते हो, ठीक है। और उस 8-9 साल के ड्यूरेशन के दरमियान में आप कभी भी 3 मरतबा से ज़्यादा जो है वो उस टेस्ट को क्वालिफाई, 3 मरतबा से ज़्यादा आप उस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते, 3 से ज़्यादा आपको वो चांस नहीं मिलता। आप पहली बार अगर फेल हो गए उस टेस्ट के अंदर, कोई बात नहीं, आपके पास दोबारा है कि आप अगले साल दोबारा दे देना, ठीक है, आपने दोबारा दे दिया। फिर अगर आप दूसरी मरतबा फेल हो गए तो फिर आपके पास चांसेस है कि आप तीसरी मरतबा दे देना, लेकिन अगर आप तीसरी मरतबा भी फेल हो गए तो अब आपके पास कोई चांसेस नहीं है कि अब आप दोबारा अपीयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी थर्ड पे अगर आप पास हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो फिर फाइनली ख़त्म आपके चांसेस। तो यही बात उन्होंने कहा कि थर्ड पे पास होने की प्रोबेबिलिटी बता दें भाई कि अगर वो शुरू में 2 मरतबा फेल हो जाता है तो क्या थर्ड में वो पास कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसकी एग्जांपल उम्मीद है कि 3-4 एग्जांपल मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल डिफाइन करी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब फाइनली ख़त्म करते हैं लेक्चर को, अब ये आपकी आखिरी टॉपिक है बिल्कुल, फिटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फिटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे लाके आपको स्टॉप करूँगी मैं। इस फिटिंग में आपके पास क्या है,
कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई आपको जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपके पास सैम्पल डेटा गिवन है, आपके पास एक सैम्पल डेटा गिवन है और वो आपसे पूछा जा रहा है कि ये सैम्पल डेटा पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का है या नहीं, ये बात आप हमें कंफर्म करके बता दें कि अगर ये आपके पास जो हमने सैम्पल डेटा आपको गिवन दिया है, क्या ये हमारे फॉर सपोज उन्होंने आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा दे दिया, कहा कि भाई ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से लाई करता है, ठीक है, लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है या नहीं, इस बात को एस्टिमेट करके बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ सैंपल सैंपल पॉइंट्स उठाए और वो आपको दे दिए और कहा कि आप ये बता दें क्या ये वाकई ज्योमेट्रिक का जो हम दावा कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये वाकई है या नहीं, इस बात को हमें क्या करें एस्टिमेट करके बता दें। तो ये एस्टिमेशन के लिए आपके पास यहाँ पे आपके पास गिविन है कि अगर आपके पास क्या है फिट अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इन्होंने ये बात का दावा किया है कि अगर हमने आपको एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल साइज गिवन किया तो आप ये बताएं कि अगर आप इसके ऊपर फिट करें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस डेटा पे आप फिट करें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनली हमें बताएं क्या ये जो डेटा है ये बिलोंग करता है मतलब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को या नहीं, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ही इस जब फाइनली आपने इसे सॉल्व कर लिया तो फाइनली ये ग्राफ आपके सामने शो होगा। अब ये ग्राफ क्या है, एक आपके पास डेटा का ग्राफ है और एक आपके पास जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करी उसका ग्राफ है, तो ये दोनों का ग्राफ आपको लमसम दिख रहा है, दोनों साथ साथ ग्राफ चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इसके ऊपर जब फिटिंग की ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करी तो जब आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया और इस सैम्पल डेटा का ग्राफ ड्रॉ किया तो वो बिल्कुल आपस में इक्विवेलेंट थे। तो आप ये फाइनली क्या अल्टीमेट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, हाँ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने दी है ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से लाए कर रही है। अब इसकी जरा सा ये वर्किंग चेक कर लेते हैं, इसकी वर्किंग किस तरह डिफाइंड होगी। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक सैम्पल डेटा गिवेन है, इसमें कुछ रेंडम वेरिएबल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ प्रोबेबिलिटी गिवेन है और उन प्रोबेबिलिटी का सम क्या है, उन प्रोबेबिलिटी का सम है 100, ठीक है। एक एक्स रैंडम वेरिएबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है प्रोबेबिलिटी है 60, एक टू रैंडम वेरिएबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 25, एक थ्री रैंडम वेरिएबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 10। अब ये हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिविन कर दी। अब इन्होंने पूछा कि आप इस पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करें, तो अब हम इस पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फिट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पता होना चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, पी डॉट क्यू क्यू की पावर एक्स माइनस वन, ये इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो अर्थमेटिक मीनिंग फॉर द ग्रुप डेटा का किस तरह अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 60 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया 25 से तो 50 आ गया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 4 5 20 और डिवाइड क्या करवा दिया, समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ क्या गिवन है आपके पास 100, आपने इनको डिवाइड करवा दिया, आपके पास क्या आ गया मीन 1.6 मीन आ गया। अब जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो 1/p के बराबर है, जैसे मैंने आपको बाइनोमियल का पॉइजन का मीन बताया था, पॉइजन का मैंने मीन बताया था एम होता है, बाइनोमियल का मीन जो है वो आपके पास एन पी होता है, इसी तरह ज्योमेट्रिक का मीन क्या होता है 1/p होता है। अब 1/p आपके पास ज्योमेट्रिक का मीन निकल गया, अब आपको इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करने के लिए पी की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपको पी मालूम करना होगा। अब यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई अब इसे डिवाइड कर दें तो आपके पास पी की वैल्यू निकल आएगी, पी इज इक्वल टू 1/1.6, तो पी की वैल्यू क्या निकल गई 0.625। अब आपको दूसरा पैरामीटर क्या चाहिए, दूसरा पैरामीटर चाहिए क्यू, तो क्यू की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे पी को, 1 में से पी को माइनस कर देंगे तो आपके पास ऑलरेडी किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने क्या किया, ऑलरेडी क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब आपके फॉर्मूले के लिए ये रेडी है, पी और क्यू दोनों आपने फाइंड आउट कर लिया। अब पी और क्यू फाइंड आउट करने के बाद अब यहाँ देखें, यूज द रिकर्जन फार्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज,
ये वही रिकर्जन फार्मूला है जो आज से 2 घंटे पहले मैंने आपसे जिक्र किया था। ये रिकर्जन फार्मूला बेसिकली जब आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन फिट करते हैं तब आपको इन फार्मूले की ज़रूरत महसूस होती है। तो ये वही फार्मूला है, तो आपने ये फार्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो ये फार्मूला आपके पास क्या गिवन मैंने, पी एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू क्यू पी ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या है, ये आपको रिकर्सिव फार्मूला याद होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का रिकर्सिव फार्मूला क्या होता है। ये आपके पास रिकर्सिव फार्मूला गिवन होना चाहिए। तो इसमें फॉर्मूले में क्या है, क्यू मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स, तो क्यू की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। क्यू की वैल्यू क्या है, 0.37375। आपने यहाँ पे क्यू की वैल्यू लगा दी 0.375 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। अभी आपने पी ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, तो अब आप जरा पी ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब पी ऑफ एक्स की फर्स्ट वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या गिवन है, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट होगी इस फॉर्मूले के अंदर, एक्स की वैल्यू सबसे पहले वन सब्सिट्यूट होगी। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर एक्स की वैल्यू जब वन सब्सिट्यूट करेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे क्यू से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास इसमें से आप देखें मल्टीप्लाई करवाया है आपने, पी को मल्टीप्लाई करवाया दिस वन से, आपने मल्टीप्लाई करवाया, इसके बाद ये आंसर आया, फिर आपने 0.37 से इसे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो फाइनली आपके पास पी पी ऑफ एक्स का आंसर क्या आया, 0.625। ठीक है, 0.625, 0.625 के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सबमिट करा दिया। ये आपके पास टेबल था, ये एक्स की वैल्यू गिवन है, ये एफ आपको यहाँ पे सैंपल डेटा में गिवन थी, ये एक्स गिवन है, ये एफ भी आपको गिवन था सैंपल डेटा में। आपने यहाँ पे क्या किया कि ये एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, और समीशन एफ ऑफ एक्स आपने खुद से डिफाइन कर लिया। समीशन एफ ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके, 1 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 50, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। तो आपने सिंपल अब इसका क्या कैलकुलेट करना है, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, 0.375 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि किस तरीके से आपने जो है फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट करना है, एक मिनट दीजिएगा। पी की वैल्यू ज़रा आप बताइएगा स्टूडेंट क्या है, वरना मुझे दोबारा स्लाइड खोलनी पड़ेगी। गायब हो गए सारे, पी की वैल्यू मैम 0.625। पी की नहीं, क्यू की बताओ, क्यू की 0.375, नहीं मैम, हाँ 0.375। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई किससे हुआ हुआ है, पी ऑफ एक्स से, सही है। और ये किसके बराबर है, पी ऑफ एक्स के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वन। ये है आपके पास रिकर्सिव फार्मूला, ये क्या है आपके पास रिकर्सिव फार्मूला। रिकर्सिव फार्मूला ये कह रहा है कि रिकर्सिव फार्मूला कह रहा है कि क्यू को मल्टीप्लाई करवाएं पी ऑफ एक्स से, ये किसके बराबर है, ये है आपका रिकर्सिव फार्मूला। अब रिकर्सिव फार्मूले में आपने क्यू कैलकुलेट किया हुआ है, क्यू की वैल्यू आपने डाल दी, पी ऑफ एक्स आपको नहीं पता किस तरह निकालना है। तो पी ऑफ एक्स के लिए आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ज्योमेट्रिक का फार्मूला आपके पास क्या गिवन है, ज्योमेट्रिक का फार्मूला, ज्योमेट्रिक का फार्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, और इस पूरे ब्रैकेट से क्या मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, क्यू। तो अब यहाँ पे आपने सबसे पहली वैल्यू क्या रखी, एक्स की रैंडम वेरिएबल रखा, एक्स की वैल्यू क्या रखी सबसे पहले, वन। अब वन जब सब्सिट्यूट करोगे तो क्यू की वैल्यू क्या है, 0.37 मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू जरा बताना क्या है, 0.625 मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू आ गई 0.37। अब इसकी पावर क्या आ गई,
एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, वन, वन माइनस वन का मतलब है जीरो. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपके पास आएगा 0.625, जो कि मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लिख के दिखाया. ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा. तो पहली प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, उस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद जो पहली प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 0.625. अब इसी तरह उसी फॉर्मूले के अंदर x की वैल्यू एक बार 2 रखना, फिर x की वैल्यू 3 रखना, फिर x की वैल्यू 4 रखना. उस तमाम वैल्यू पे, मतलब उस तमाम रिकर्सिव फॉर्मूले पे डिफरेंट x की वैल्यू कैलकुलेट करके आपने क्या करना है, p ऑफ x कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्योंकि आपके पास x और f तो गिवन था आपके डेटा पे, f ऑफ x आपने कैलकुलेट कर लिया और फिर p ऑफ x कैलकुलेट कर लिया. अब p ऑफ x कैलकुलेट करने के बाद अब आपने निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी. एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है जिसके बेसिस पे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, जिसके बेसिस पे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स. अब ये 100 कहाँ से आया, ये 100 हमेशा से समीशन होगा, जो भी इस फ्रिक्वेंसी का समीशन होगा आप उससे मल्टीप्लाई करवा दोगे पी ऑफ एक्स से. मेरा 100 था तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया पी ऑफ एक्स को. तो 100 से पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवाओगे तो पहला आंसर क्या आएगा आपके पास, पहला आंसर आया आपके पास 62.5, तो आपने राउंड ऑफ करके 63 कर दिया. फिर दूसरा आया आपके पास 23.43, तो आपने उसे अप्रॉक्स करके 24 कर दिया. इसके ऊपर आपने राउंड ऑफ फिगर भी अप्लाई करनी है. ठीक है, राउंड ऑफ करके आपने नंबर डिफाइन कर दिए. अब जब राउंड ऑफ करके आपको नंबर मिल गया, अब आप ग्राफ बनाओगे. अब ग्राफ किस तरह बनाओगे, ये एक्स आपके पास गिवेन है और ये f गिवन है. अब आप इन दोनों के दरमियान में क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे. यहाँ पे आपने फ्रिक्वेंसीज रख दी और यहाँ पे आपने x रख दिया, x और फ्रिक्वेंसीज रख दी. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तरफ ही अपनी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को ड्रॉ करोगे, मतलब 63, 24, 9 और 4. तो आप सबसे पहले यहाँ पे 60 है, आप ये 63 यहाँ पे ड्रॉ करोगे, फिर 24 यहाँ, समथिंग एक 24 का पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास 10 यहाँ पर है तो समथिंग एक 9 का पॉइंट आएगा. फिर दूसरा क्या है, 4, 4 का मतलब है ये नीचे की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका एक 4 का पॉइंट आ गया. ठीक है, अब ये तीन आपने फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ड्रॉ कर दी. दूसरी फ्रिक्वेंसी आप क्या ड्रॉ करोगे, समीशन एफ ऑफ एक्स वाली. ठीक है, अब दूसरी तरफ जो फ्रिक्वेंसी आपने ऐड करनी है वो कौन सी करनी है, ये वाली फ्रिक्वेंसी जो उसमें डायरेक्टली इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर आपने लिखी थी. अब इस f of x को भी साथ साथ ड्रॉ करो, तो ये देखो एक 63 पॉइंट था और आप 60 के करीब करीब आया. दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 50, दूसरा पॉइंट आपके पास 50 है. फिर तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 30, सॉरी f of x नहीं, ये सिंपल फ्रिक्वेंसी आपकी अप्लाई होगी, सिंपल फ्रिक्वेंसी आपके पास अप्लाई होगी. सॉरी, f of x ड्रॉ नहीं करना, बल्कि ये सिंपल फ्रिक्वेंसी ड्रॉ करनी है. सिंपल फ्रिक्वेंसी में क्या है, पहला पॉइंट 60, ये आपने 60 पे पॉइंट लगा दिया. दूसरा है 25, तो ये आपके पास 25 करीब करीब है 24 के, आपने एक पॉइंट ऊपर करके 25 लगा दिया. फिर तीसरा है 10, तो आपने ऑलरेडी 9 पे लगाया हुआ था, तो आप अपनी दूसरी रखी 10 को थोड़ा सा ऊपर करके डिफाइन करोगे. फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 5. फिर आपने 4 पे लगाया हुआ था एक पॉइंट, आपने उसी से ऊपर थोड़ा सा करके 5 पे पॉइंट लगा दिया. तो अब देखें आपने जो फिट किया इस पे, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो फिट करी वो नियरेस्ट है इस फ्रिक्वेंसी के, जो फ्रिक्वेंसी आपको गिवन की गई थी. तो इसका मतलब है कि आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपके पास जो ये डेटा आपको गिवन था, ये डेटा की जो फ्रिक्वेंसी हमने ड्रॉ करी ग्राफ पर और जो हमने अपनी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ड्रॉ करी ग्राफ पर, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिजेंबल रही, दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे से रिजेंबल रहे. इसका मतलब है कि ये डेटा जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे लाई कर रहा है. अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास गिवन है हाइपर ज्योमेट्रिक का, जो आपने खुद करना है. आपके सामने सॉल्यूशन गिवन किया हुआ है मैंने. इसमें हमने बोलो, इसमें हमने एक तरह से वेरीफाई करा कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है. बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास जो फ्रिक्वेंसी गिवन थी वो फ्रिक्वेंसी को आपने ड्रॉ किया और फिर जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आपने निकाली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग करने के बाद, ऑलमोस्ट सेम आ रही है, दोनों सेम आ रही है, बस वो अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस आ रहा है ना, तो इतना तो चलता है. अब जाहिर सी बात है किस चीज की फिटिंग करना ओरिजिनल में, थोड़ा बहुत तो पॉइंट वाइज फर्क आएगा ही ना.
ये फिर आप एंड में आप क्या कर दोगे, कंक्लूड कर दोगे कि भाई ये जो अबव फ्रीक्वेंसी आपने गिविंग की है ये लाई कर रही है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पर. ठीक ठीक है, तो ये मेरा लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. अब आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें.